जी, पार्टी को लेकर के भी कोई चर्चा हुई या आप दिखाना चाहते थे कि ऑफिस बेरर्स कौन है, एलजी साहब से कौन मिल सकता है? नहीं, ऑफिस बेरर जो है जैसे है वो सामने है, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने एलजी साहब से ऐसा कोई बात नहीं की, जो की है वो रिटर्न में भी है हमारे पास, वो भी आप देख लीजिए और आपको प्रेस में भी मिल जाएगा। वो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, जो हमने बोला है वो ही रिटर्न में हमारे पास, यही बात की है, इसके अलावा हमने अभी कोई बात नहीं। आपने पैंथर पार्टी से कभी इस्तीफा दिया था? ये बातें अभी आप बात करो, अगर पैंथर पार्टी से इस्तीफा दिया तो मैं यहाँ होती, जिंदा होती, मरी होती, क्या होती, यहीं पर हूँ। बाकी ये बातें बेतुकी हैं, मैं इन सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहती। कौन क्या कहता है, क्या कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क, सच्चाई आप लोग भी जानते हो, दुनिया भी जानती है, बोलने वाले भी जानते हैं, इसलिए मुझे इस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। जो कहता है वो करता है, मैंने जो किया अपना कर्म किया है, जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, ऊपर वो भी देख रहा है, नीचे आप लोग देख रहे हो, जानते हो, मुझे किसी के बारे में कोई सवाल नहीं। जिसको जो सजा देनी है, जो करना है वो करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जो लोग पार्टी छोड़ करके गए थे, अगर वो लोग वापस आ रहे हैं, दुख किस बात का है कि वो पूछ नहीं रहे हैं? देखिए, कोई दुख नहीं है, कोई इस विषय में हम बात ही नहीं करना चाह रहे, ये सब कुछ पता है आपको, कोई डिसिप्लिन डेकोरम को चीज़ होती है, तो इस बारे में कोई बात नहीं मैं कर रही हूँ। जिसको आना छोड़ना है छोड़े, जिसको आना आए, लेकिन एक तरीकाकार होता है बस। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था और भीम सिंह जी के होते हुए जब भीम सिंह जी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अनीता जी के घर में, उसमें कहा था कि जो लोग पार्टी से चले गए हैं उनको हमने बेसिक मेंबरशिप से निकाल दिया है, आज की डेट में अगर वो आना चाहते हैं तो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, उससे अगर वो पास होते हैं तो आते हैं। ये इस वक्त के जो पार्टी के हालात आप कह रहे हैं, दे आर नॉट द पैंथर्स, दे आर द सीडो पैंथर्स, मैं मुंह पे उनको कहता हूँ, दे आर द सीडो पैंथर्स। ओरिजिनल पैंथर जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 25 मार्च 2022 को जो हुए हैं, उनको ये कहने की जरूरत है कि हम पैंथर हैं, हम तो हैं ही पैंथर, उनके साथ थे, अब हैं, अब चल रहे हैं, आगे चलते रहेंगे। हमने तो ये माइंड में नहीं देखा है कि बिना पैंथर्स के कहीं हम दूसरी जगह देखेंगे, हम पैंथर्स की, भीम सिंह की जो लीगेसी है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड रखेंगे, उसको चलाते रहेंगे, हम उसका नाम जितना उन्होंने किया हम कोशिश करेंगे उसको भी आगे ले जाएँ। अभी हम एलजी हाउस के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे हमारे साथ पीके गंजू जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के, और एलजी साहब से आज इनकी मुलाकात थी, बातचीत करेंगे। गंजू साहब, आज जो आपकी मीटिंग हुई है एलजी साहब के साथ, क्या कुछ मुद्दे मकसद था? मुद्दे से तीन चार थे बेटा, सबसे मुद्दा ये था कि हमने प्रशासन की भी सराहना की कि भाई टू ग्रेट एक्सटेंट ये कामयाब हो गए हैं मिलिटेंसी को रोकने में, हाल्ट करने में, और उसके साथ ही हमने ये भी कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग चाहे वो किसी भी ये कम्युनिटी से संबंधित हैं, वो सारे बर्बाद हो गए हैं मिलिटेंसी के कारण, कोरोना के कारण, उनकी जो इकतसादी हालात हैं वो उबार उनके डेवलप किए जाए, उनकी मदद की जाए, और जो हमारा यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको नौकरी दी जाए, उनको कारोबार दिया जाए, उनको ऑक्यूपेशन के अपॉर्चुनिटी दी जाए। और सबसे ज़्यादा जो हमें दिल के करीब बात थी वो था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जो सर्विसेज प्रदान की है रियासत जम्मू कश्मीर को, उसके इवज में उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया जाए। नेता जी भी यहाँ पे मौजूद है, स्टेटहुड और इलेक्शन का भी उधर जिक्र हुआ और हमने प्रेसिटस किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस पर सोच रहे हैं, हो जाएगी। नेता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की। मैम, आज जो आपकी एलजी साहब से मुलाकात हुई थी, किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी? आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब पीके गंजू साहब ने सब डिटेल में बता दिया। हमारा सबसे पहला मुद्दा तो था कि हमारा ये यूटी जो है इसको हमें मंजूर नहीं है और स्टेटहुड हमारा होना चाहिए, वो हमें वापस हो, यहाँ इलेक्शन हो ताकि आवाम जो है वो स्मूथली चल सके, यहाँ पे जो सरकारें स्मूथली चल सकें, लोगों को हक और इंसाफ मिल सके, उनकी बातों की, उनकी मजबूरियों की, उनके दुखों की, तकलीफ़ों की सुनवाई हो चुके। आज धरने प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हैं उनको भी उनके मुताबिक जैसे भी हो उनको नौकरियों में बहाल किया जाए, जो बकाया दिया जाए वो धरने प्रदर्शन, ताकि यहाँ पर ख़त्म हो सारे। और दूसरा, प्रोफेसर भीम सिंह जी के लिए हमारी डिमांड थी कि इतनी बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने इतना कौम के लिए काम किया है, स्टेट के लिए किया है, बाहर भी किया है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, उनके कामों को तो गिनती तो हम कर ही नहीं सकते जितने उन्होंने किया है, और उनको एक हाईएस्ट जो नेशनल अवार्ड जो है वो देना चाहिए उनके सम्मान में, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये सब बातें हमने उनको बताई हैं, की हैं, और उन्होंने भी कहा है कि गौर करेंगे, बिल्कुल ये जो बात आप कही मैं इसको आगे ले जाऊँगा, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, उन्होंने एडमिट किया इस बात के लिए। और जो भी है यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिस तरह के टूरिज्म लाना चाहिए,
रजौरी, पुंछ, बनी, बसोली, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, ये इतने इलाके हैं सारे, यहाँ टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि बढ़ावा हो, रोजगार यहाँ पे टूरिज्म से रोजगार क्रिएट होगा, हमारी बेरोजगारी भी खत्म होगी। तो अनिता जी, पार्टी को लेकर के भी कोई चर्चा हुई या आप दिखाना चाहते थे कि ऑफिस बेरियर्स कौन है, एल जी साहब से कौन मिल सकता है? नहीं, ऑफिस बेरियर जो है जैसे है वो सामने है, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने एल जी साहब से ऐसा कुछ बात नहीं की, जो की है वो रिटर्न में भी है हमारे पास, वो भी आप देख लीजिए और आपको प्रेस में भी मिल जाएगा। वो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, जो हमने बोला है वही रिटर्न में हमारे पास, यही बात की है, इसके अलावा हमने अभी कोई बात नहीं। आपने पैंथर पार्टी से कभी इस्तीफा दिया था? ये बातें अभी आप बात करो, अगर पैंथर पार्टी से इस्तीफा दिया होता तो मैं यहाँ होती, जिंदा होती, मरी होती, क्या होती, यहीं पर हूँ। बाकी ये बातें बेतुकी हैं, मैं इन सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहती, कौन क्या कहता है क्या कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क, सच्चाई आप लोग भी जानते हो, दुनिया भी जानती है, बोलने वाले भी जानते हैं, इसलिए मुझे इस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। जो कहता है वो करता है, मैंने जो किया अपना कर्म किया है, जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, ऊपर वो भी देख रहा है, नीचे आप लोग देख रहे हो, जानते हो, मुझे किसी के बारे में कोई सवाल नहीं, जिसको जो सजा देनी है जो करना है वो करे, मुझे कोई एतराज नहीं। जो लोग पार्टी छोड़ करके गए थे, अगर वो लोग वापस आ रहे हैं, दुख किस बात का है कि वो पूछ नहीं रहे हैं? देखिए कोई दुख नहीं है, इस विषय में हम बात ही नहीं करना चाह रहे, ये सब कुछ पता है आपको, कोई डिसिप्लिन डेकोरम को चीज होती है, तो इस बारे में कोई बात नहीं मैं कर रही हूँ, जिसको छोड़ना है छोड़े, जिसको आना है आए, लेकिन एक तरीकाकार होता है बस। इससे आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी पार्टी का जो माहौल बना हुआ है? कि पार्टी का माहौल आप लोगों को पता है कि भीम सिंह जी की डेथ के बाद 2 जून को हमने गंजू साहब को जो है जो वर्किंग कमेटी थी और स्टेट ऑफिस बेरर्स थे उनकी मीटिंग में हमने इनको वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, और मैं उसी रोज़ मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था और मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, और भीम सिंह जी के होते हुए जब भीम सिंह जी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अनिता जी के घर में, उसमें कहा था कि जो लोग पार्टी से चले गए हैं उनको हमने बेसिक मेम्बरशिप से निकाल दिया है, आज की डेट में अगर वो आना चाहते हैं तो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, उससे अगर वो पास होते हैं तो आते हैं। ये इस वक्त के जो पार्टी के हालात आप कह रहे हैं, दे आर नॉट द पैंथर्स, दे आर द सीडो पैंथर्स, मैं मुंह पे उनको कहता हूँ, दे आर द सीडो पैंथर्स। ओरिजिनल पैंथर्स जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 25 मार्च 2022 को जो स्टेट ऑफिस बेरस फ्रेम किए थे वही है, और वो आप लोगों के सामने है। वो तो कह रहे हैं कि हम घर के आदमी हैं और हमें बाहर के लोग बता रहे हैं कि पार्टी आपकी नहीं है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा और बड़े वसूख के साथ कहना चाहूँगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ये किसी के ख़ानदान की नहीं है, और जो शख्स ये कहता है कि पार्टी हमारे ख़ानदान की है वो इस भूल में है, ये पार्टी प्रोफेसर भीम सिंह जी की है, और भीम सिंह एक ख़ानदान के लीडर नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लीडर थे, और प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे गुरु रहे हैं, हम उनकी कदर करते हैं और हम उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जिनका ये मानना है कि पार्टी ख़ानदान की है वो अपने ख़ानदान तक ही सीमित रहें, वो उधमपुर तक ही सीमित रहें, वो एक गांव तक ही सीमित रहें, उनको बाकी अजला में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज जो एलजी साहब के साथ आपकी मीटिंग थी, मुलाकात थी, या जिन मुद्दों को लेकर के आप मिले हैं, तो क्या दिखाना चाहते थे आपकी, हम पैंथर पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं इसीलिए? नहीं, हम तो हैं ही पैंथर्स पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, उसमें दिखाने की क्या ज़रूरत है? देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, 25 मार्च 2022 को प्रोफेसर साहब डेली एक्सेलसियर की कटिंग है, अगर कहें मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें उन्होंने मुझे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, गंजू साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, बाकी और लोग थे, ये बलवान जी हैं इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया था। तो एलजी साहब से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम पैंथर्स पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं। वी हैव बीन लीगली अपॉइंटेड बाई द फाउंडर ऑफ द पैंथर्स पार्टी लेट प्रोफेसर भीम सिंह जी, और एलजी साहब से कोई भी मिल सकता है, एक आम शख्स भी अगर अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई करता है तो वो मिल सकता है। हम आज मिले हैं, हमारे इश्यूज थे, जिन इश्यूज पे जो है पीके गंजू जी हैं हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने डिटेल में आपको बताया कि हमारा पहला मुद्दा ये था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी जो एक ग्रेट जुरिस्ट थे, ग्रेट पॉलिटिशियन थे, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि पूरी दुनिया के एक अच्छे लीडर थे, उनको हिंदुस्तान का आला से आला अवार्ड जो है वो दिया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि इस रियासत जम्मू कश्मीर को जो आपने यूटी बनाया हुआ है इसको दोबारा से रियासत का दर्जा दे के फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं ताकि यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट हो और लोग खुशी से यहाँ पे रह सके। तो क्या आने वाले समय में जिस तरह से पैंथर जानी जाती थी, जिसके लिए जानी जाती थी लोगों के मुद्दे उजागर करने के लिए, तो क्या आते समय में आप लोग सब लोगों के मुद्दे जो हैं वो उठा करके लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए वक्तन फवक्तन हमारी प्रेस रिलीजें आती हैं, मैं आपको भी सेंड करता हूँ,
बाकी जो मीडिया पर्सन हैं उनको भी सेंड करता हूँ। जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि प्रोफेसर भीम सिंह देहात के बाद हम लोग सदमे में हैं और एक साल तक हम ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सबसे मिल रहे हैं, हम लोगों के मुद्दों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन जो ही एक साल कंप्लीट होता है उसके बाद हम एक साल में उनको श्रद्धांजलि देने के बाद हम एक प्लेज लेंगे कि हम प्रोफेसर साहब की जो लिगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आपको दोबारा से सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दिखाई देंगे। बिल्कुल बलवान साहब, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी में लिथियम निकला हुआ है, क्या कोई बात हुई उस पर कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल रहा है? छोड़ दे, मैं कोई गल नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पार्टी को लेकर के, जिस तरह से अफवाहें आ रही हैं या बातें जो हैं, चर्चाएँ जो चल रही हैं? नहीं, पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है और मैंने आपको बता भी दिया है कि पार्टी जो है, हम जो आए हैं ये भीम सिंह के आदमी हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, इसलिए हम पैंथर हैं, पैंथर थे, पैंथर रहेंगे। कोई इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो बाग के उधर जा रहा है, बाग के उधर जा रहा है और उधर से आके फिर वापस कह रहा है, ऐसा इनमें से बिल्कुल, ये प्योर पैंथर्स हैं। इनको कोई ऐसी कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप पूछ रहे थे पहले कि आप ये दिखाने गए थे, नो, दिखाने की तो उनको ज़रूरत है जो भागे हुए हैं, उनको ये कहने की ज़रूरत है कि हम पैंथर हैं, हम तो हैं ही पैंथर, उनके साथ थे, अब हैं, अब चल रहे हैं, आगे चलते रहेंगे। हमने तो ये माइंड में नहीं देखा है कि बिना पैंथर्स के कहीं हम दूसरी जगह देखेंगे। हम पैंथर्स की, भीम सिंह की जो लीगेसी है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड रखेंगे, उसको चलाते रहेंगे, हम उसका नाम जितना उन्होंने किया हम कोशिश करेंगे उसको भी आगे ले जाएं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LG रेजिडेंस के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है पैंथर पार्टी के जो ऑफिस बेरियर्स हैं वो यहाँ पे जो है उनके द्वारा मीटिंग की गई है, जिसमें PK गंजू जी, अनिता ठाकुर जी, बलवान जी और एडवोकेट साहब शकील साहब यहाँ पे जो है उनकी यहाँ पे जो है बातचीत LG साहब से हुई है। जो इशूज़ हैं, जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको लेकर के जो है चर्चा हुई है। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।